मेरे पेन था बहुत ज़्यादा पेन जी, और मैं नोएडा से आई थी और छुट्टी, तो अगर छुट्टी लेके आई तो मेरे पास ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैं आई रात में आके अब एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद में फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ जी, और प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी, और ये मैंने ना प्रेग्नेंट थी मैं जी पे, और फिर दवाई मैंने खा ली थी, तो उसमें अंदर अच्छा नली के अंदर आपका जी, हाँ, नली के अंदर कुछ रुक गया, और एक गांठ की सिस्ट भी थी मेरे जी, दोनों का उसको ऑपरेशन हुआ। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में, लेकिन जब मैं यहाँ आई, मेरा ऑपरेशन हुआ, इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, और हॉस्पिटल डीप रोज हॉस्पिटल में मैं जब एडमिट की, इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और बहुत ही अच्छा था, और बहुत अच्छा ऑपरेशन इन्होंने किया। और मुझे मतलब इनका जो व्यवहार होता है ना, व्यवहार कितना अच्छा है, सब स्टाफ का, सबका, डॉक्टर्स का, डॉक्टर मीनाक्षी इतनी अच्छी है ना, बहुत ही अच्छी, और नॉलेज भी है उन्हें इस चीज़ की जी। और थैंक यू सो मच कि यहाँ के स्टाफ ने और डॉक्टर साहब ने मुझे इतना अच्छा से किया, और मैं अब ठीक हूँ। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है। आप डॉक्टर मीनाक्षी के लिए, विब्रोस हॉस्पिटल के लिए कुछ कहना चाहेंगी? जी, ये बहुत अच्छी, और मैं तो ये चाहती हूँ कि और प्रोग्रेस करें और ऐसे ही चलते रहें। और विशेष है मेरी जी से कि मैं, और मैं तो औरों को भी बताती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, सब केयरफुल है वहाँ पे, वहाँ जाइए आप लोग, बहुत अच्छी केयर होती है। थैंक यू।